बिगड़गी तो नहीं है। तो भाई मम्मी थोड़ा सा सीरियस होगा। सीरियस मत हो आंटी जी, खुशी का आंसू ही है भैया तो। इसे दूर कभी नहीं रही थी। तो दादी के साथ बोलिया करो। हाँ। सोच रहा मैं तेरी दादी। फील करो दादी हूँ। यानी जिद कर ली कि इस बेटी को वहीं छोड़ के आना है। मेरे को एक डेडलाइन दे दी कि इतने बजे नहीं दिया ना तो मैं गाड़ी लेके इस बच्ची को छोड़ाऊंगा। दादी भी बहुत चूरमा बना बना खिलायो कि मेरी बेटी को हो गयो। राम राम जी। मोक्ष भूजल को बीकानेर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो और साथ साथ में वीडियो है वो स्किप मत करया करो, लास्ट तक देखिया करो और वीडियो ने शेयर जरूर करया करो, क्योंकि हर एक वीडियो में एक नई स्टोरी हुआ है। वीडियो में थे देखोगा, वीडियो ने पूरा देखोगा तो कुछ ना कुछ थान सीखने मिलेगा, नई चीज़ है बा एक थारी लाइफ में ऐड होगी। ये घड़ी में ही मैं बीकानेर पहुँच गई हूँ और बीकानेर का हमारा जितना भी दर्शक देखी तो वह मैंने कमेंट जरूर करियो। और बीकानेर में पहुँची हूँ, मेरे साथ में नेहा है और नेहा अभी सबने पता है कि नीट की परीक्षा लागी ही, परीक्षा में नेहा पास हुई है, 670 नंबर बने ही और 2845वीं ऑल इंडिया रैंक आई है। बच्ची है छोटी सी, बातचीत कराँगा और साथ में यहाँ का मम्मी पापा भी हैं, बड़ी भांड भी है तो बहन भी बुला लें आ जाओ। तो सबको आप अपने चैनल पर स्वागत करा, आओ सबको झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है। और नेहा थान बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि भाई नीट की परीक्षा है बा क्लियर करी है। नेहा स्वागत है झलको बीकानेर पर। थैंक यू, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीकानेर में आए हो और मिलने के लिए आए हो इतनी दूर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप। पता है कितनी दूर हुआ यहाँ? आप झुंझुनू से हैं तो झुंझुनू काफी दूर है यहाँ से। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, मैं बीकानेर में रहो हो, गांव कौन सा है थारो? मैं वैसे तो हम काफी टाइम से बीकानेर में रह रहे हैं पर गांव पलाना है, बीकानेर देशनोक के पहले आ जाता है थोड़ा। अच्छा, तो और अभी फिलहाल एक साल तो मैंने सीकर में तैयारी की थी, बीकानेर में उससे पहले ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था। अच्छा, तो फर्स्ट ड्रॉप मैंने बीकानेर से ही किया था और सेकेंड ड्रॉप मैंने सीकर से किया था गुरु कृपा से। तो गुरु कृपा के अंदर जाने के पीछे के रीजन रही? गुरु कृपा का ऐसे था कि मतलब एक तो बहुत सुना था उसके बारे में, काफी दोस्तों से भी सुना था और फिर पापा के दोस्त थे उनका बेटा भी वहीं से कर रहा था और उसका सिलेक्शन भी हुआ था। अच्छा, तो उनकी तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे तो इसलिए फिर हमने मन बनाया कि सीकर में जाके तैयारी करें। तो मन पता है नेहा ने मारवाड़ी भी आवे। हाँ अवे, बट यहाँ है कि ज्यादा बोलो कोने तो फ्लो को नहीं बन पावे। थे राम बोलो दादी के साथ बोलिया करो। हाँ, सोच रहा मैं तेरी दादी। फील करो दादी हूँ भैया, दादी को नहीं हूँ। बात करें तो पढ़ाई में ज्यादा मन कर तो या कुछ और एक्टिविटी ज्यादा पसंद है? भैया तो पढ़ाई में ज्यादा मन करता हूँ बट पढ़ाई के सागे सागे स्पोर्ट्स भी करती। अच्छा, स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स करती। अच्छा, और खो खो। अच्छा, तो मतलब चौथी क्लास में पहला खो खो चालू करो, पछे सर और कोच हा वहाँ देखियो कि कर अच्छो सके तो वहाँ एथलेटिक्स खातर प्रोत्साहन दियो और पछे फिर एथलेटिक्स वाली लाइन में। तो बीम में भी लॉन्ग जंप मेरा मेन गेम हो, बीम में नेशनल स्टेट्स गौड़ी हूँ। तो फिर स्पोर्ट्स में कहाँ कौन गया? स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एज अ हॉबी है मेरी। अच्छा, मतलब बनो मैंने यहाँ पढ़ाई में ही करनो, स्पोर्ट्स हॉबी तो एक आता स्पोर्ट्स करती। अच्छा, तो स्पोर्ट्स करो पछे जी यहाँ टेंथ हुई तो एक कर छोड़ियो क्योंकि मार्क्स अच्छा लाना टेंथ में। फिर टेंथ जी हाँ करी, मार्क्स भी अच्छा आ गया टेंथ में, मेरे 97.4% आया, स्कूल टॉप करी। ओके, उसके बाद में फिर साइंस लेनी तो 11 12 स्कूलिंग ही करी, बी टाइम बोर्ड्स को ही हो कि बोर्ड्स की वैल्यू ज़्यादा ही, तो पछे 12वीं में भी 8 करी। बी के बाद में यह हो कि नहीं अब मैंने नीट की तैयारी करनी है तो बी खातर फिर मैं कोचिंग ली। नीट के बारे में क्यों सोचो? क्योंकि थारी जो बड़ा सिस्टर है क्या करी? मेरी बड़ी सिस्टर तो आर्ट्स ली 11 12th में और पछे दीदी की लाइन ही यूपीएससी करना है। okay. बट मेरे यहाँ हो कि मेरा साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट हो तो मैंने साइंस लेनी, तो साइंस ली। बी में भी मेरा मैथ्स के आगे मैथ्स में भी बहुत इंटरेस्ट हो तो मैं ये खातर 11 12th बायो मैथ्स दोनों ली। फिर देखियो कि नहीं डॉक्टर वाली लाइन बहुत अच्छी है, मतलब रेपुटेशन भी बहुत है बी में और सेवा करने को भी मौका मिली पूरा, तो ये खातर फिर मैं नीट को सोचो। अच्छा, तो मम्मी पापा को क्या रिस्पॉन्स रही हो? मम्मी पापा मतलब हमेशा हम बहुत सपोर्ट करियो हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में भी हो तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सपोर्ट करता और अभी भी बहुत सपोर्ट करियो हर जगह, जो बोलती वो मिलतो। कोचिंग को की माहौल हो सीकर की बात करा था? कोचिंग बहुत अच्छी, मतलब सारा टीचर बहुत अच्छा सपोर्ट करता और
बींग सबसे अच्छी बात आई कि वटे टेस्ट बहुत अच्छा होता और शेड्यूल जो वो बहुत अच्छो टेस्ट लगभग 60-70 के बीच में टेस्ट होया मेरा बट है तो टेस्ट देते देते ही मारो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सीकर में टीचर्स भी जो डाउट पूछता वे सब बताऊँता 10 बार पूछो चाहे और क्लास के बाद में डाउट सेशन हो तो मारो ओवरऑल बहुत अच्छो माहौल हो बैठे मम्मी पापा ही आऊँ भी बात कर लें नमस्ते अंकल मैम पहले तो मैं बताओ कितनी खुशी हो रही है बच्चों बहुत खुशी हो रही है मुझे हमारा सहयोग था बेटी ने कामयाब होके दिखाया भाई बच्ची दो बेटी ही था रहे तो दोनों बेटी कसी की पढ़ाई में नेचर में मेरी दोनों बेटियां जो है वो होशियार है शुरू से स्कूलिंग टाइम से ही है तो बड़ी वाली बेटी ने दोनों एक ही स्कूल में थी लड़कियों की स्कूल है किशोरी देवी गर्ल्स स्कूल जयपुर रोड पर है उसमें इनका एडमिशन करवाया था गांव से लेके आया था मैं इनको नेहा ने भी इसी स्कूल से किया 10th 12th दोनों टॉप किए फिर बाद में इसने मेडिकल का सोचा और पिछले बार पूरे एक साल वहाँ सीकर रह के इसने की सिर्फ 2 दिन आई थी दीपावली पर और रेगुलर वहीं रही है ये मतलब 2 दिन ही आई सिर्फ दो मन को नहीं करता मम्मी पापा की याद को नहीं आती मन करतो बट अगर अच्छा आती तो फिर वो सिलेक्शन को नहीं हो पाते हजू ड्रॉप लेना पड़ता मम्मी पापा दुखी होता खुद दुखी होती मैं जब एडमिशन करवाने गया था मेरे मित्र भी मेरे साथ थे दिलीप जी परियार तो उस वक्त और एक संजीव चौधरी है उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया उनका भी बड़ा सहयोग रहा मेरा मित्र हेमेंद्र बाना है उसने मेरे को यानी जिद कर ली कि इस बेटी को वहीं छोड़ के आना है अच्छा। और यदि आपने कल सुबह नहीं छोड़ा मेरे को एक डेडलाइन दे दी कि इस इतने बजे नहीं दिया ना तो मैं गाड़ी लेके इस बच्ची को छोड़ाऊंगा अच्छा। और इसको ये पाबंद कर दिया बीकानेर में नजर आ गई तो ठीक नहीं रहेगा वहाँ गए तो हम जब उनसे इंस्टीट्यूट वालों से मिले मील साहब से जो थे एडमिशन वाले उनने कहा सब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर बेटी ने भी कहा कि नहीं कोई इशू नहीं है गांव को माहौल देखे है कभी हाँ बचपन में गांव में ही रहता और ननियाल भी गांव में ही है ददियाल भी गांव में ही है तो बटे तो बहुत मजा आवे मतलब बचपन हो या गलिया में खेलता दीवारों पर चढ़ता पेड़ा पर चढ़ता तो बहुत अच्छा माहौल है गांव में तो अभी मम्मी गांव लेके गई या को नहीं गया अभी हाँ सब जा रही हूँ ननियाल जा रही हूँ गाँव जा रही हूँ सब मिले तो बढ़िया का है जो दादी दादा ही और चाचा चाची ताऊ तो बाको के माहौल हो सब बहुत खुश है मामा जी तो पूरे ननियाल में मतलब आसपास पूरे मिठाइयाँ बांटी कि मेरी भांजी को हो गयो और ऑफिस में भी पूरी मिठाइयाँ बांटी अच्छा, और ददियाल में भी सब दादी ही चाची घरे को नहीं दादी भी बहुत चूरमा बना बना खिलायो कि मेरी बेटी को हो गयो तो दादी मोटी कर दी गई नेहा ने हाँ भी दादी खिलायो ज्यादा मोटी को नहीं फिट है ज्यादा ने मोटो उन्होंने पतलो उन्होंने वो तो है हेल्थ भी मेंटेन करनी पड़ी ज्यादा खुशी हो खिला खिला ज्यादा मोटो भी को नहीं नेहा एक चीज़ देखिए कि गांव गलियां अब तो काफ़ी मतलब आगे बढ़ चुकी हैं मैं देखा तो शहरों अपनों गांव बहुत अच्छो है पर गांव में तो पढ़ाई शहर में तो पढ़ाई खातर ही माँ बाप लेके आवी ही या कभी चीज़ फील करिए कि अपना मम्मी पापा भी माहौल निकल के अपने लिए कितनों कर रहे हैं हाँ वो तो है कि मतलब गाँव में बिती पढ़ाई को नहीं तो ये खातर पहला गाँव में भी स्कूल में को नहीं जाता थोड़ा दूर गाँव बैठे जाता तो बैठे पढ़ाई इतनी को नहीं खातर बीकानेर आना पड़े बट पापा और भी माहौल पढ़ अब माने पढ़ावे क्योंकि माने देखियो है कि बैठे पढ़ाई को नहीं तो हमारे बच्चा और अच्छा करे तो हाँ पढ़ाई गो है थोड़ा गांव में बट बाकी बैठे सब बहुत सपोर्ट भी करे गांव में कि सभी यहाँ हुआ कि हमारी गांव की बेटी निकले आगे तो गांव तो अपनी जगह है बट पढ़ाई खतर खैर आना पड़े बारे तो। और जितना भी बच्चा देख रहे हैं बच्चन थे कि कुछ बताना चाहूँगा ताकि कुछ गलती थे करी और बच्चा नहीं करी और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े मैं तो मैं सिर्फ वही कहना चाहूँ कि जी हाँ मैं लाडले साल बहुत कुछ सीखियो है एकली रह कि कई बार यहाँ हुआ है कि मार्क्स को नहीं आवे तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उठ जावे तो जी हाँ एकला रहवा तो जहाँ हॉस्टल में जा रहे एकला रहवा बट मम्मी पापा को नहीं हुए टेस्ट में अच्छा नंबर को नहीं आवे तो डर जावा कि यार हुई को नहीं हुआ तो बेटा हम खुद पर भरोसा रखना है कि कोई बात नहीं एयर टेस्ट जो है वे नीट में सिलेक्शन को नहीं दिलावे यूँ बस सीखना है और फिर नीट में वे गलतियाँ दोहरानी को नहीं तो खुद पर भरोसा रखना है और खुद के साथ खुश रहना कोई बात नहीं लोग के कहवे कोई बात नहीं एक कई बाद में जी सिलेक्शन हो जाए सब आई मिठाई ले कि हाँ कर दिखायो तो नेहा यह चीज़ सामना करना पड़ो है कि लोगों का कुछ ताना थान सुनना मिले जब पहला ड्रॉप हो बेटा जब नहीं हुए सामने तो कोई को नहीं कहते
पर लारों सुनने को मिलियो कि हाँ इतनी पढ़ती टॉपर ही तो भी कोनी हुई होंगो तो इयां किया हो गयो तो बी टाइम बहुत बुरा लगा। बिगड़गी तो नहीं है लोगा की या सोच रहे ना। हाँ लारों सुनने सामने तो कोई भी कोनी बोले क्योंकि सामने तो बेटा कोई ना कोई कोनी बोलेगो। साथ में यहाँ का माता जी भी तो खड़े आ जाओ पता चलता बात करांगा तो हवा लगेगी। राम राम जी। राम राम। पहले तो ये बताओ कि बेटे ने देखी कितनी खुशी हो रही है। देखो बेटे ने देखी तो बहुत खुशी हो रही है कि अच्छी है मेरे बच्चे। वैसे तो सभी को अच्छे ही लगते हैं अपने बच्चे लेकिन पता नहीं क्यों क्यों एक मतलब अंदरों अच्छी और ये पहले जा रही थी तो मेरे का ये दोनों कन्फ्यूजन थी मम्मी ऑनलाइन पैसे लगा दिए क्या करूँ जाऊँ नहीं जाऊँ। मेरे का देख जाए लेकिन वापस सिलेक्शन करवा के ही आना बीच में मत है ना। अच्छा मम्मी तो उस टाइम पे ऐसे कि डरेगी तो नहीं अकेली रह लेगी ना सोच ले एक बार कोई बात नहीं यहाँ पे कर लेंगे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तेरे को ऐसे थी नहीं अब जाना ही है तो वहीं पे जाके करके आऊँ। तो जान को फायदा मिलो। हाँ मिलो बहुत बड़ो फायदो भी टाइम पर दुख झेलो ना सुख मिलो ना 7 साल और झेल लियो 5 साल में भी है और 1-2 साल और भी गवानों को दिक्कत को। हाँ तो अभी तो सिर्फ नीट में सिलेक्शन हुई है तो ये सब यहाँ बोल रहे हैं डॉक्टर साहिबा तो बनन के बाद में तो और मिली तो बहुत खुशी हुआ है। तो भाई मम्मी थोड़ा सा सीरियस होगा सीरियस मत हो आंटी जी खुशी का आंसू हुई है भैया तो इससे दूर कभी नहीं रही थी। अच्छा वो गई ना या इतना ही है कि एक तो है। हाँ ये गई थी तो पता नहीं क्या मैं कुछ दिन अंदर ही रहती थी बाहर नहीं निकलती थी। भाई भगवान की यार रोमी अब खुशी है ना मतलब दुख के बाद में खुशी तो मिली है ना। मम्मी तो सीरियस होगी मम्मी ने संभालो। मम्मी हो जाती है माओ का दिल थोड़ा होता ही है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है तो पढ़ाई के लिए थोड़ा दूर रहना ही पड़ता है लड़कियों को तो आगे भी रहना ही है तो थोड़ा दूर जाते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं खुद से कुछ सब कुछ हैंडल करना। देखो टाबरा के इतनी खुशी हुई उसी क्लास में हो फिफ्थ थर्ड फोर्थ। अच्छा मारवाड़ी समझ में आवे है? नहीं नहीं आती बोलने नहीं आती थोड़ी बहुत आती है बस समझ में आती है। हाँ। अच्छा तो थन बेरो है कि भाई आज नेहा को कहीं इंटरव्यू लेना आया हाँडे नीट के पेपर के बारे में। अच्छा तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुआ कि नेहा को इंटरव्यू करो नेहा के साथ साथ में ही कुछ बच्चा भी मिल गया। देखो कितना खुश हो रहे हैं मन इतनी खुशी मिल रही है वास्तव में टाबर भगवान को एक रूप आया कर रही बचपन में खेल रही कूद रही। तो वीडियो शेयर करना है लाइक और कमेंट जरूर करना है। जय हिंद जय राजस्थान राम राम जी।